अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, टॉपिक है ना सी डोरमेंसी, जो कि बहुत आसान और सिंपल सा टॉपिक है। डोरमेंसी का मतलब था स्लीप या रेस्टिंग, मतलब कि सीड का सो जाना या रेस्टिंग स्टेज पे चला जाना, दे आर कॉल्ड सी डोरमेंसी है। अगर देखा है कि रेस्टिंग स्टेज में उस वक्त सीड जाता है जब अनफेवरेबल कंडीशन होती है। अनफेवरेबल कंडीशन का मतलब जब पानी की बहुत स्कार्सिटी है, बहुत कमी है, या जब लो टेम्परेचर है। इन दो कंडीशन के अंदर सीड अक्सर होकर जर्मिनेट नहीं होता, आप उस वक्त सीड को कहते हैं सीड डोरमेंसी है। अब रेस्टिंग स्टेज के बारे में बात करता हूं कि सीड की जो रेस्टिंग स्टेज है उस दौरान सीड के अंदर लो मेटाबॉलिक रेट हो जाता है और वही सीड ना ग्रो करता है ना डेवलप करता है। उस दौरान ये किस कंडीशन में होता है? रेस्टिंग स्टेज पर होता है। अगर आपने ब्रेक करनी सीड डोरमेंसी को, मतलब कि सीड डोरमेंसी को खत्म करना है, इसको जर्मिनेट करवाना है, ये उस वक्त होगा जब नॉर्मल इन्वायरमेंटल कंडीशन होगी। अब बात करते हैं कैसे ये अपनी डोरमेंसी को ब्रेक करते हैं। जैसे डेजर्ट सीड प्लांट देखते हैं, ये ऐसे सीड्स होते हैं डेजर्ट के जो जर्मिनेट होते हैं आफ्टर सब्सटेंशियल रेनफॉल। जब जोरदार बारिश होती है तो ये जो सीड होते हैं ये अपनी डोरमेंसी को ब्रेक करते हैं और जर्मिनेट होना स्टार्ट हो जाते हैं। कुछ ऐसे सीड्स हैं ये उस वक्त जर्मिनेट होते हैं, ये अपनी सीड डोरमेंसी को ब्रेक करते हैं जब मॉडस्ट ड्रिजल होती है, जब बूंदाबांदी होती है। बूंदाबांदी होने के बाद मिट्टी में ज़रा सी नमी चले जाती है और वही सोइल दोबारा ड्राई होती है और उस नन्हे से सीडलिंग प्लांट को, नन्हे से प्लांट को सपोर्ट करना शुरू कर देती है। इसी तरह कुछ ऐसे सीड हैं जो डोरमेंसी को ब्रेक करते हैं नेचुरल फायर्स, जब कुदरती आग काफ़ी ज़्यादा रोशनी होती है, काफ़ी ज़्यादा सूरज की रोशनी होती है। गर्मियों के दिन होते हैं, कुछ ऐसे सीड्स होते हैं गर्मियों के दिनों में जर्मिनेट होते हैं, तो वह नेचुरल फायर्स है जो इसकी डोरमेंसी को ब्रेक करती है। कुछ ऐसे सीड्स हैं जो लाइट की मौजूदगी में अपनी डोरमेंसी को ब्रेक करते हैं, ये ऐसे सीड होते हैं जो आपको शैलो एरिया, मतलब कि मिट्टी के अंदर डीप नजर नहीं आते, सरफेस लेवल पर नजर आते हैं। ऐसे सीड लाइट से अपनी डोरमेंसी को ब्रेक करते हैं। जैसे लेटियस वराइटी हो गई, जैसे पालक हो गया, साग हो गया, ये सारे इस वराइटी में आ जाते हैं जिसको लेट्यूस वराइटी का नाम दिया जाता है। इसी तरह ये सीड कुछ ऐसे भी होते हैं जिनके ऊपर कोट होता है, काफ़ी मोटा सा शेल होता है, वो केमिकल की मदद से, मतलब कि जो केमिकल का अटैक है उसकी मदद से डोरमेंसी को ब्रेक करते हैं। और किसकी, कहाँ से केमिकल आता है, ये बेसिकली सीड खा लेते हैं जिनका नाम है एनिमल्स वगैरह, उनके डाइजेस्टिव ट्रैक से केमिकल अटैक करता है उन सीड के ऊपर, जिससे कोट डैमेज हो जाता है। जब कोट डैमेज हो जाता है तो फिर वही सीड जब पकाने से बाहर निकलता है, जहां पे वो सीड गिरेगा वहां से एक प्लांट उग आता है, तो इसका मतलब सीड ये भी जर्मिनेट होगा जब केमिकल का अटैक होगा। पर वो केमिकल अटैक से पहले इसको खाना पड़ेगा, किसको बेटा, एनिमल्स की मदद से। जैसे एनिमल्स इसको लेकर जाएंगे तो एनिमल्स के डाइजेस्टिव ट्रैक से केमिकल अटैक करेंगे, कोट को ख़त्म करेंगे, फिर जब पखाना करेंगे तो पखाने से सीड जब बाहर निकलेगा तो बेटा वहां पे क्या होगी, जर्मिनेशन स्टार्ट हो जाएगी। अच्छा, अभी सीड डोरमेंसी का सबसे बड़ा फ़ायदा क्या है, मैं आपको ये पहले बता दूं। सीड डोरमेंसी या सीड की जर्मिनेशन, ये पहले बता दूं, जर्मिनेशन उगना, ये इन्वायरमेंटल कंडीशन या स्पीशीज के ऊपर बेस करता है। मतलब किसी की जर्मिनेशन जल्दी हो रही, किसी की लेट हो, ये वेरी करता है ना, फ्यू डेज है, डेकेड्स है, इवन लॉन्गर, ये बेस करता है कौन सी स्पीशीज का सीड है और वो कितनी देर लेता है जर्मिनेशन में। जितने भी अनजर्मिनेटेड सीड्स होते हैं ना, आप उनको स्टोर कर सकते हैं, इकट्ठा कर सकते हैं, अक्यूमुलेट कई सालों तक, इतने साल आप इकट्ठा कर लें, एक नहीं दो साल तीन साल तक आप उसको स्टोर कर सकते हैं। जैसे आप कहते हैं कि कोई फॉर एग्जांपल सैलाब आ गया, खुशक साली होगी, काफ़ी बारिश होगी, कोई सब्जी नहीं बची, कोई फ्रूट फल फ्रूट नहीं बचा, तो आप उस दौरान वो जो आपके पास अक्यूमुलेटेड सीड है जो जर्मिनेट नहीं हुआ था, आप उनको लगा कर दोबारा वेजिटेशन हासिल कर सकते हैं। ठीक है, कोई भी इन्वायरमेंटल डिस्ट्रप्शन आई है, आपके पास सीड होंगे, आप उनको मिट्टी में लगाएं, बोएं दोबारा और दोबारा वहाँ से प्लांट हासिल, सब्जियाँ हासिल करना शुरू कर दें। इसका मतलब सीड को स्टोर करने के लिए सबसे जो इम्पोर्टेंट अमल है ना सीड का, वो है सीड डोरमेंसी है। जजाकल्लाह खैर।